हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई रेसिपी। तो आज मैं पास्ता बनाने का रेसिपी लेके आई हूँ। तो पास्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं पास्ते ले रखी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्या की हूँ, पास्ते को बॉईल कर ली हूँ। तो इसको 3 से 4 मिनट आपको बॉईल करना है। तो गर्म पानी पहले करिएगा और गर्म पानी में थोड़ा सा ऑयल डालिएगा 1 चम्मच के हिसाब से, और फिर इसको बॉईल करके और इसके छन्नी में छान लीजिएगा। इससे आपका पास्ता झरझरा हो जाएंगे। और उसके लिए चलिए बनाने के लिए चलते हैं गैस के अंदर। तो यहाँ बैठा रखी हूँ ऑयल गर्म करने के लिए। तो मेरा ऑयल आगे से गर्म हो चुका था। इसमें मैंने डाल दी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को अच्छे से एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर डाल रही हूँ कच्चे मिर्ची, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रखी थी, 2 टमाटर डाल दी हूँ। अब इसमें क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और नमक डालने से क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ नमक डाल दी, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, और मिक्स करके इसको 1 मिनट के लिए पका लूँगी, जिससे मेरा ये टमाटर है अच्छे से गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो मेरा टमाटर है अच्छे से गल गया है, 1 मिनट में पका ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा पास्ता है पास्ता को डाल दे रही हूँ। पास्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा घर मार्केट में है तो बहुत शोर शराबा होते हैं, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। फ्रेंड्स सॉरी, और मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये लीजिए, मैं पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये मेरा पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पास्ता बन के रेडी है। बहुत सिंपल रेसिपी था, और ये बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद पड़ता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।